बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, जब किसी बाप की ख्वाहिश हो कि उसकी औलाद नातख्वान बने, लेकिन औलाद की ख्वाहिश हो कि वो गुलकार बनेगा, फिर आखिर में यही नतीजा निकलेगा ना। आप इस गाने को सुनिए और फैसला खुद ही कीजिए कि ये इसकी कॉपी है कि नहीं। मानी चाहिए, बल्कि यहाँ कोई बाल्टी रखो, उसमें डूब मरा तुम। अब यही नाच सुन लीजिए जो मुकम्मल तौर पे सॉन्ग के तर्ज पे बनाई गई है। नात जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसमें सिफत बयान हो रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसमें तारीफ हो रही है, जो एक तरह की इबादत है, आप उसको एक ऐसे तर्ज पे पढ़ना शुरू करें कि उसे सुन के आपका भी लहकने और थरकने का दिल करना शुरू करे, तो ये नात के वकार के खिलाफ है। ए अल्लाह हमें हदायत दीजिए, ये नात सुनिए अब। सुने जरा तवज्जो से। बिल्कुल गलत तरीका है, इहदे नाल अच्छा असर नहीं पैदा। अब ये क्या था? मेहंदी से दुल्हन आ गई है क्या? तेरे रोजे पे आया है, उसने सब कुछ पाया है, तू है नबी का बुलारा रे। आज अम्मी मेरी अफ्तारी है लाई, चले भी लाई। अब आप क्या कहते हैं? आप कहेंगे कि नहीं जी, गानों की तर्ज पे नात नहीं होनी चाहिए, तो वो तर्जे बता दें जिन पर नात हो। सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं। देखिए ना, ये थुक दान है, उसके अंदर अगर कोई बंदा किसी को दूध डाल के दे दे मेहमान को पिएगा, भाई मैंने धोया 100 मरतबा धोया फेंक दिया, नहीं उसकी फजा किस लिए हो चुकी है। नाजरीन, ये तो मुझे अपने गांव की एक आटा पीसने वाली चक्की की आवाज लग रही है। खुदा रा ऐसे नातखानों से अपने आप को बचा के रखें। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में नात जरूर पढ़िए, मगर इन तमाम हरकात से इज्तनाब कीजिए। नाज़रीन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सदका जारिया समझकर इस वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।